इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। यार क्या मांग करी अभी हमने महापौर निवास के संबंध में कल के दिन जाकर के संभाग आयुक्त को एक आवेदन दिया है, जिसमें हमने मांग की गई है महापौर निवास जो निर्माण दिन हुआ है उसके विषय में, जो महापौर निवास है उसके एक ही महापौर निवास के तीन बार टेंडर निकल गए। प्रथम टेंडर जीर्णोद्धार के नाम से, द्वितीय टेंडर प्रथम तल के नाम पर, और तृतीय टेंडर बचे कुछ कामों के लिए। इस प्रकार एक ही भवन के तीन बार टेंडर लगा दिए गए और एक ही व्यक्ति को तीनों टेंडर कैसे हो सकते हैं, ये एक शोचनीय विषय है। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। और मेरा ये कहना है कि आज वहाँ पर करोड़ों रुपए का आप महापौर निवास बना रहे हैं और हमारे निगम कर्मियों को देने के लिए आपके पास तनख्वाह नहीं है। कचरा संग्रहक जो कचरा संग्रहण करते हैं उनको देने के लिए आपके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। और शहर, हमारा शहर इस बार कूड़े करकट में बदल रहा है, स्वच्छ नहीं दिख रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी क्या? क्या लगता है आपको, ये टोटल फिजूल खर्ची है एक तरह की? ये बिल्कुल फिजूल खर्ची है। ठीक है, आपका परिचय? दीपेश कानून को पार्षद वार्ड क्रमांक 9।